धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि पूजा के दौरान अगर हो जाए ऐसा तो समझ ले भगवान ने सुन ली पुकार। हिंदू धर्म में घरों में पूजा करना शुभ माना जाता है, जिससे कि पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। वहीं जो लोग सच्चे मन से देवी देवताओं की पूजा करते हैं उन पर भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। पूजा करने से व्यक्ति का मन और दिमाग दोनों ही शांत रहता है, पर हम में से कई लोग यह जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि क्या उनका पूजा में कोई कमी तो नहीं रह गई या फिर भगवान ने उनकी पूजा को स्वीकार कर लिया है या नहीं। यह जानने के लिए भगवान पूजा के दौरान भक्तों को कुछ संकेत देते हैं, जिससे कि इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे 3 संकेतों के बारे में बताते हैं, जिससे कि व्यक्ति को यह पता लग सकता है कि उनकी पूजा भगवान द्वारा स्वीकार कर ली गई है। यदि व्यक्ति ने पूजा के दौरान दीपक जलाया है और उसकी लौ अचानक से ऊपर की ओर उठ रही है, तो समझ जाए कि भगवान ने आपकी प्रार्थना और पूजा को स्वीकार कर लिया है। सभी देवी देवता आपकी पूजा से प्रसन्न है। पूजा के दौरान मेहमान का आना। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि यदि व्यक्ति घर में पूजा कर रहा हो और उसी समय घर में मेहमान आ जाए, तो यह संकेत है कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न है। इसके साथ ही पूजा के दौरान व्यक्ति ने जो भी भगवान के सामने प्रार्थना रखी है वह अवश्य ही पूरी होगी। पूजा के दौरान आंसू आना। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का मानना है कि यदि व्यक्ति पूजा कर रहा है और उसी दौरान उसके आंखों में आंसू आ जाए, तो समझ जाए कि भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है। साथ ही जल्द घर में खुशियां आने वाली हैं।